शायरी है बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सोर्स ऑफ कैपिटल। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कैपिटल की जरूरत पड़ती है बिजनेस को, फाइनेंस के रूप में, कैपिटल के रूप में, मनी के रूप में, है ना। कल हमने पढ़ा था क्यों कैपिटल और फाइनेंस जरूरी है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब बिजनेस या कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो किस किस फॉर्म में वो कैपिटल इकट्ठा करते हैं, किस किस फॉर्म में वो पैसा लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सलामुअलैकुम, नमस्ते। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या जब कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्टर्ड होने के तुरंत बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सोर्स ऑफ कैपिटल। कि भैया मैंने अब रजिस्टर्ड तो हो गई, एक एंटिटी तो बन गई, चाहे प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से बनो या नए कंपनी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड होती है उधर। तो जब आप एंटिटी बनते हो तब उस एंटिटी को चलाने के लिए, उसमें ट्रेड करने के लिए, उसके साथ बिजनेस करने के लिए डेफिनेटली उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे के सोर्स तो आपके पास में होना चाहिए ना भाई। मुझे अगर कोई बिजनेस करना है तो मेरे पास सबसे पहला सोर्स क्या होगा कि मेरे पास कितना पैसा है। समझ में आ रहा है, मेरे पास कितना पैसा है। मेरे पास अगर पूरा पैसा नहीं है तो मैं अदर सोर्सेस की तरफ जाऊंगा। तो मेरे पास, हम नॉर्मली आम आदमी क्या करता है, जब उसके पास पैसा नहीं होता तो वो अपने घर के किसी बड़े के पास जाता है या अपने दोस्त के पास जाता है या अपने पड़ोसी के पास जाता है, और सबसे बेस्ट ऑप्शन उसको दिखता है इन सब के बाद भी, वो होता है बैंक, वो होता है बैंक। हम वही पढ़ने वाले हैं कि जब आप कंपनी फॉर्म करते हो तो आपके पास उसमें कितने सारे सोर्सेस ऑफ कैपिटल होते हैं। तो स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहले मैंने लिखा हूं कि आपने कंपनी फॉर्म बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया या रजिस्टर्ड किया, चाहे प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से या इस कंपनी लॉ के हिसाब से। आप कोई भी एक्ट को फॉलो करो, है ना। आप एलिजिबल हो, आप वैलिड कंपनी हो, ठीक है, दोनों एक्ट वैलिड है। भले ये एक्ट अब वैलिडिटी में है नहीं, अब ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मगर जो कंपनी इसके थ्रू रजिस्टर्ड थी वो आज भी तो चलती है ना। तो जब आप बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो सबसे पहला सोर्स आपके पास में क्या होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, पैसा कहां से आएगा, कैपिटल कहां से आएगा। ठीक है, देखिए मैं बार बार कैपिटल वर्ड क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि हम जब बिजनेस में कैपिटल वर्ड यूज करते हैं ना, मुझे पैसा क्यों चाहिए बिजनेस में, मुझे बताओ। अच्छा, मुझे पैसा क्यों चाहिए, मैं क्योंकि बोर्ड खरीदूंगा, मैं फर्नीचर बनवाऊंगा, डेस्क और बेंच बनवाऊंगा, क्योंकि ये चीजें मुझे बेनिफिट देंगी ना लॉन्ग टर्म में, या मार्कर खरीदूंगा, लॉजिक समझ रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ये मेरी एसेट्स हुई। अब जैसे बेंच और डेस्क, तो ये मेरी फिक्स एसेट्स हुई, हर साल तो क्रिएट करूंगा नहीं मैं, तो मुझे इसके लिए बड़ा अमाउंट चाहिए खरीदने के लिए। ये मेरे लिए वर्किंग है, नई इंक जो खरीदता हूँ वर्किंग है, मुझे समय समय पर नई इंक खरीदनी पड़ती है क्योंकि खत्म हो जाती है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए वर्किंग है, बिल पे करूंगा, कभी कम आएगा कभी ज्यादा आएगा। तो हम जिस सोर्स में पैसा लेते हैं हम उसको कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उस पैसे को लगाते हैं अपनी कैपिटल एसेट्स पर, मतलब उन एसेट्स पर जो हमें कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट देती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। ठीक, समझ रहे हैं, इसलिए हम उसे कैपिटल एसेट्स कहते हैं। नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन है, हम मनी क्यों नहीं कह रहे। मैंने मनी एसेट्स का भी नाम सुना है क्या? नहीं। तो फिक्स एसेट्स और वर्किंग एसेट्स, पैसा लिया और यहां लगा दिया, इसलिए उसे कैपिटल एसेट्स कहा जाता है। ठीक है, अब आपने लगाना है पैसा, चाहे लैंड में लगाओ, बिल्डिंग में लगाओ, मशीन में लगाओ, है ना, चाहे आप इन्वेंट्री पे लगाओ, रॉ मटेरियल पे लगाओ, लेबरल को रखो। अब इसके लिए सोर्सेस तो देखने पड़ेंगे आपको कि आपके पास में भाई कितने सोर्सेस हैं। ठीक है, सबसे पहला सोर्स जो किसी भी कंपनी फॉर्म बिजनेस के पास होता है, सबसे पहला सोर्स कंपनी आइडिया जनरेट करने के बाद, चलो बिजनेस करते हैं, सबसे पहला सोर्स जो होता है वो होता है बेटा ओन कैपिटल। ओन कैपिटल इट मींस ये वो कैपिटल है, अगर इस फॉर्म में कोई कैपिटल लगाता है तो उसको हम बोलते हैं ओनर, यानी वो कंपनी की ओनरशिप की कैटेगरी में आता है, कंपनी का मालिक बन जाता है। सबसे पहला सोर्स क्या है उसमें? प्रमोटर्स कैपिटल। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, है ना, कंसीव एन आइडिया, एक फिजिबल आइडिया, एक प्रैक्टिकल आइडिया। तो पहला अमाउंट तो ये लगाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कंपनी चालू करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है या 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं, कुछ पैसा तो लगाएंगे ना, 20-30%, 0 रुपीज लेके तो नहीं आएंगे, पूरे 100% तो आप बाहर से नहीं ले सकते। तो मान लीजिए आपने 20% पैसा आपने लगा दिया यहां से इनके थ्रू, ठीक है, दे प्रमोट द आइडिया ऑफ डूइंग अ बिजनेस। जब अब भाई मेरे को फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए लग रहे थे, अब 20% इन्होंने लगा दिया पैसा, तो बचा कितना जल्दी बोलो सर? 80% बच गया।
अब 80% पैसा मुझे कहीं से तो लेना होगा ना, 80 लाख रुपए कहीं से तो जुगाड़ करूंगा ना, मेरे पास में सोर्सेस तो होने चाहिए। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसी भी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए, वो क्या होता है जल्दी बताओ, शेयर्स। कि चलो कंपनी के शेयर इशू करते हैं, लोगों को हिस्सेदार बनाते हैं, लोगों को इंड्यूस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि आओ और कंपनी के शेयर खरीदो, हमें पैसे दो, हम बदले में आपको डिविडेंड देंगे। तो शेयर्स में भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहला है इक्विटी शेयर, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो चिंता नहीं करना, आज मैं सोर्सेस पढ़ा रहा हूं। पहला है इक्विटी शेयर, बिकॉज एवरीवन हैज वन मैन वन वोट, सो वी कॉल देम एज इक्विटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर्स, इसलिए इक्विटी कहते हैं कि सब समान है भले शेयर कितने भी हो। और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों हमारे पास सोर्स आते हैं, इनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे कि कंपनी इनिशियल लेवल पर कौन सा इश्यू करेगी और फर्दर लेवल पर, क्योंकि दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप दोनों इक्वल क्वांटिटी में इशू नहीं कर सकते, आप दोनों को एकदम ज्यादा इशू नहीं कर सकते, आप दोनों के एक साथ इनिशियल लेवल पर इशू नहीं कर सकते, या करेंगे भी तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी वो डिटेल में पढ़ने वाले। तो पहला सोर्स क्या बोला मैंने, प्रमोटर के बाद क्या होता है, शेयर्स। अगर आप पब्लिक कंपनी है, डेफिनेटली आप पब्लिक कंपनी है तो आप पब्लिक के थ्रू शेयर्स इशू कर सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आप अपने मेंबर्स के थ्रू शेयर्स इशू कर सकते हैं, जो आपके 200 मेंबरशिप होती है ना मैक्सिमम। तो आप नॉर्मली अगर आप देखें तो हम लोग ये पब्लिक कंपनी के सोर्स ही पढ़ रहे हैं बेसिकली, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स क्या है पब्लिक कंपनी का कैपिटल इशू करने का, शेयर्स। किस फॉर्म में, दो फॉर्म में, पहला इक्विटी है, दूसरा प्रेफरेंस। क्लियर हो गया? अब ये तो हुई इनिशियल लेवल की बात, अब इनिशियल लेवल पे आपके पूरे शेयर तो कोई खरीद नहीं लेगा क्योंकि कंपनी अभी चालू नहीं हुई है, लोगों को उतना भरोसा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा इश्यू करोगे ना सब कुछ, ठीक है। अब दूसरा नाम लिखा हूं बेटा मैंने यहां पर, रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, जब हर कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रख लेती है फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए, हम अपने घर में भी यही सब करते हैं, मैं भी करता हूं आप भी करते होंगे। तो रिजर्व इनिशियल लेवल पे तो रिजर्व होते नहीं है मेरे बच्चों, तो डेफिनेटली ये फर्दर लेवल पर जब कंपनी चलने लगती होगी, एस्टैब्लिश हो जाती होगी, तो ये रिजर्व हम लोग कहां से जमा करते हैं जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट 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 फास्ट, अपने प्रॉफिट में से, है ना, अपने नेट प्रॉफिट में से, पूरे एक्सपेंसेस के बाद में जो पैसा बचता है उसमें से हम रिजर्व अलग करते हैं। अब रिजर्व भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो मैंने बेसिकली आपको समझाने के लिए दो रिजर्व रखे हैं यहां पर, पहला हम एज ए बिजनेसमैन प्रोविजन के नाम से रखते हैं और दूसरा हम लोग रखते हैं रिटेन अर्निंग के नाम से। तो आप दोनों समझने की कोशिश करिए, प्रोविजन का मतलब होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, हम लोग अपने घरों में करते हैं ना, ये बच्ची की शादी के लिए है, ये उसकी पढ़ाई के लिए होता है ना, घरों में भी हम लोग रखते हैं, सेम टीवी खरीदेंगे ना, बिजनेसमैन भी करता है कि ये मशीन के लिए है, ये टेक्नोलॉजी के लिए है, ये इनोवेशन के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे स्पेसिफिक पर्पसेस नहीं बनाएंगे तो फिर पैसा जमा नहीं हो पाएगा आपके पास में, तो प्रोविजन उसके वो पैसे को उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, या बेसिकली बोल सकते हैं उन चीजों के लिए रखते हैं जो डेप्रिशिएट हो रही है टेक्नोलॉजी मशीन, उनके लिए प्रोविजन करके रखना पड़ता है। अचानक से पैसे की डिमांड कहां से करोगे अगर मशीनें खराब होगी तो। फिर आता रिटेन अर्निंग, नाम ही क्लियर, रिटेन, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिटेन कर लेना फ्यूचर के लिए, अगर आपको फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, और ब्रांचेस खोलनी है, और नए बिजनेस खोलने हैं, तो ये आपको काम आएगा बहुत ज्यादा। तो ये जनरल पर्पस के लिए, एक्सपांशन के लिए, और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए। क्लियर हुआ यहां तक? ये आपके ओन कैपिटल के कुछ सोर्सेस है जो हमने बेसिक पढ़ा है, डिटेलिंग अभी तक नहीं पढ़ी, मतलब बेसिक पता होना चाहिए। जब ये सोर्सेस पूरे हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आपने 20% प्रमोटर ने लगाया था, है ना, 20% आपने इक्विटी शेयर से ले लिया, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, है ना, या समझो 30% ले लिया, चलो 30% के आपने शेयर इशू कर दिए, ठीक है, 10% के आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, टोटल कितना हो गया 60%, 60 लाख रुपए आपके पास आ गए। अब पूरा तो आप एक कैपिटल इशू नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी कंपनी अनसर्टेन होती है, तो अब आप किसके तरफ जाएंगे, बोरोड कैपिटल की तरफ जाएंगे, बराबर है कि नहीं बराबर है, अभी भी 40 लाख लेने हैं आपको बिजनेस चालू करने के लिए, जरूरत है आपको, तो बोरोड में सबसे पहले मैंने प्राइमरी सोर्स क्या लिखा, लोन। हर कोई बिजनेसमैन या लोन की तरफ पहले प्रेफर करता है, तो लोन, लोन में पहले पहले क्या लिखा, बैंक, हम सब बैंक के पास पहले जाते हैं, चाहे पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, जो भी बैंक के पास हम पहले जाते हैं। बैंक हमें 3 प्रकार से लोन दे सकता है, छोटा सा बिजनेस मैन है, रोजमर्रा के खर्चों के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म लोन अप टू 2 इयर्स, बिजनेस सेटल करना है 4-5 साल लगेंगे तो मीडियम टर्म लोन, है ना,
और अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस एक्सपांड करना है, कुछ परमानेंट चेंजेस लाने हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन होता है जो मोर देन 5 ईयर्स के लिए होता है। जो मीडियम टर्म लोन होता है वो होता है 2 साल से 5 साल के लिए, है ना। और जो शॉर्ट टर्म लोन होता है वो अप टू 1-2 ईयर होता है। ये तीनों याद रखना, ठीक है। अप टू 2 ईयर, 2 से 5 साल और मोर देन 5 ईयर्स। परमानेंट चेंजेस, सम इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द प्रोडक्शन, है ना, एंड फॉर वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म लोन जो है वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। अब बैंक के अलावा जो दूसरा सोर्स होता है वो होता है एनबीएफसी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। मतलब वो संस्थाएं जो बैंक के अलावा जिनको स्थापित किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि लोगों को पैसा दे लोन के रूप में, है ना, एडवांसेस के रूप में, मतलब शॉर्ट टर्म में जो पैसा दिया जाता है ओवर ड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बैंक के अलावा ये भी कंपनी है, ये भी कंपनीज है, जैसे मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं आपको ध्यान होगा। वहां डिपॉजिट नहीं रखे जाते, वहां अपना अकाउंट नहीं खोलते, पर उनका पैसा लेन देन करना है, उनका जो फंक्शन है वो लेन देन करना है। एग्जाम्पल मन्नापुरम फाइनेंस आपने नाम सुना होगा, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड आपने नाम सुना होगा, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। फाइनेंस वर्ड आ गया ना, यानी ये आपको पैसा नहीं देते, जो चीज आपको खरीदनी है उसके पैसे ये पे कर देंगे, आप बाद में इनको पे कर देना, ये इनका बेसिक काम होता है। ये कंपनियों के ब्याज में सिक्योरिटीज भी खरीदते हैं, शेयर डिबेंचर्स, उसके लिए भी पैसा पे करते हैं, ठीक है। अब बोरोड कैपिटल जो लगाएगा डेफिनेटली कंपनी का क्या कहलाएगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर कहलाएगा कंपनी। लोन में ये 2 सोर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद जो सोर्सेस है वो ये है, जो डिटेल में पढ़ेंगे इतनी आसानी से होगा नहीं, मगर आपको पता होना चाहिए। ये एक डेट कैपिटल है, डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर डॉक्यूमेंट का नाम है बेसिकली। अब आप लोगों के साथ सभी डेट कैपिटल है तो सबके नाम डेट क्यों नहीं है, उसके पीछे भी बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारा ज्ञान है जो आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये सिक्योर्ड होते हैं नॉर्मली, जब कंपनी इशू करती है तो इनके नाम पर कुछ ना कुछ एसेट्स को गिरवी रखती है, तभी तो लोग पैसे लगाएंगे। तो कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। फिर होते हैं ये तो डॉक्यूमेंट के नाम है, फिर होता है बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन द 2 पर्सन। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो डेफिनेटली कोई आपको पैसे देगा लॉन्ग टर्म के लिए। बेसिकली जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लिए जाते हैं, है ना, तो वो बोलेगा ना भैया कुछ साइन करके दो ना कि मेरे पैसे ना डूबे। तो ये भी सिक्योर्ड कैपिटल है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट, और ये सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनी इशू करती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्योंकि पब्लिक प्राइवेट कंपनियों पर अगर इसको लगाएंगे तो पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फिर होते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। अच्छा, ये सब आप इनिशियल लेवल पे उतना नहीं ले सकते, ले सकते बट उतना नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत सारा पैसा उधारी के रूप में ले लोगे और 2-3 साल में बिजनेस नहीं चला तो फिर बिजनेस बंद करने की बारी आ जाएगी और इनको फिर सबसे पहले पैसे देने पड़ेंगे, और कोई पैसे देगा भी नहीं इनिशियल लेवल पे आपको, डर के मारे। फिर होता है पब्लिक डिपॉजिट, जो हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं डिपॉजिट के रूप में, जैसे बैंक लेता है ना डिपॉजिट के रूप में पैसा, वैसे कंपनियां लेती है। फर्क इतना होता है, बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है, पैसे संभाल के रखता है, कंपनी उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है, पैसे बैंक भी इन्वेस्टमेंट करता है, पर कितना कि वहां थोड़ी सिक्योरिटी बैंक में ज्यादा है। और जब इस फॉर्म में आप कंपनी को पैसे देते हो तो सिक्योरिटी नहीं होती, हाँ मगर लालच होती है, इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मगर ये भी सिर्फ पब्लिक कंपनी को अलाउड है टू टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स फ्रॉम ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 6 महीने से, मिनिमम 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 36 महीने तक। वो भी डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ये आप इनिशियल लेवल पे इशू कर सकते हैं क्योंकि अनसिक्योर्ड है ना, कुछ गिरवी रखना नहीं है इनके लिए। और लास्ट मैंने क्या लिखा, ट्रेड क्रेडिट। जब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, B2B, बड़े बिजनेसमैन या छोटे बिजनेसमैन के बीच में जब लेन देन होता है सामानों का, लाइक होलसेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सुना होगा आपने कि भाई मैं आपसे इतने का सामान ले जा लेता हूं, जब सामान बेच के हो जाएगा तो जो पैसा आएगा उससे मैं आपके पैसे चुका दूंगा। दिवाली में होता है कि बड़े होलसेलर से पटाखे लेके आए, हिंदी टाउन में आपने लगाया, छोटे से ग्राउंड में दुकान लगाई, है ना, इसको गुड्स लोन कहते हैं, कैश लोन नहीं कहते, आपने गुड्स का लोन दिया, फिर आपने 50,000 के पटाखे 60,000 में बेचे एग्जाम्पल, और 10,000 आपके हुए, 50,000 आपने होलसेलर को लेकर दे दिया। तो ये ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड करने के लिए आप गुड्स का क्रेडिट लेते हो। मेरे ख्याल से तो आम बात है, B2B, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन ऐसा होता ही होता है, पहले सामान ला लिए, कुछ सिक्योरिटी तो रखना पड़ता है, डिपेंड करता है आपके रिलेशन कैसे हैं उनसे या कितना आप प्रोफेशनलिज्म है, और जब सामान बेच के हो जाएगा तो डेफिनेटली पैसा आप चुका देंगे। तो ये गुड्स लोन होता है जो बिजनेसमैन के बीच में होता है, उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो भी बिजनेसमैन ने डिसाइड करता है, याद रखना। अगर समय से पहले अगर हम वापस कर देते, जैसे आपने पटाखे बेच दिए, उसने 30 दिन दिया था आपको कि पटाखे बेचने के बाद 30 दिन के अंदर पैसे दे देना, आपने 20 दिन में वापस कर दिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा क्या ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, फिर आपको मिलता है कि नहीं मिलता है,
क्योंकि आपने समय से पहले पैसे वापस कर दिए ना, तो आपको डिस्काउंट देगा। ठीक है, क्लियर है? ये बी टू बी होता है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, और ये गुड्स लोन है। आप यहां पैसा नहीं लेते हैं, आप यहां गुड्स लेते हैं और बेचने के बाद जब पैसा ऊपर का आता है तो आप वापस कर देते हैं। ये सिर्फ पब्लिक कंपनी इश्यू करती है, प्राइवेट कंपनी को अलाव नहीं है। ये सेमी गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी, हम डिटेल में पढ़ेंगे दोनों का फर्क क्या होता है। ये कोई भी कंपनी इश्यू कर सकती है और इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और आरबीआई के अंडर रहते हैं। मैंने आपको दो नाम बताया, आप भूलना मत, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब तो बैंकों के भी अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? और ये सबसे कॉमन सोर्सेज हम सबके पास में। लॉजिक समझा? तो अब जोड़ लेते हैं कि आपने 20% ले लिया किससे, डिबेंचर से, 10% ले लिया फॉर एग्जाम्पल आपने किससे, बॉन्ड से, और 5% हो गया आपका पब्लिक डिपॉजिट, और 5% हो गए आपके ट्रेड क्रेडिट। एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, ये बस हाइपोथेटिकल है, पर ऐसे हो सकता है। मैंने बोला अगर आपको सोर्सेस डिसाइड करना है तो यू कैन डू दैट। टोटल आपका कितना हो गया, 100%, इन पूरे पैसे इकट्ठे हो गए। बट आपने गौर किया इनिशियल लेवल पर डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे कि अपने पास से जितना पैसा लगाए या फिर इन सोर्सेज से जो ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति एकदम आपको पैसे नहीं देगा जब तक उसको कुछ पुख्ता या पुष्टि ना मिले कि हमारे पैसे सही है। और कोई भी एकदम से इनिशियल लेवल पे आपके शेयर्स नहीं खरीदेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको सब कैपिटल इशू करना है। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी हो, डिपेंड करता है कब इशू कर रहे हो, ठीक है? अगर मैंने कोई नई कंपनी खोला तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, इसलिए मुझे यहां पर ज्यादा बेस होना पड़ता है, ठीक है? या मेरे जो सालों के रिजर्व्स होंगे। और अगर मैं कोई बड़ी कंपनी, अगर नई कंपनी खोल रही, जैसे टाटा ने नई कंपनी खोला, तो उनके लिए तो ये आसान है, ये तो इजीली इशू हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ? पक्का? ये सोर्स ऑफ कैपिटल है। इन सब पे हमारे दो दो लेक्चर है, इस पे दो लेक्चर होंगे, इस पे दो लेक्चर होंगे, इस पे दो लेक्चर होंगे, इस पे दो, ऐसे 12-15 लेक्चर के ऊपर डिटेलिंग है। आज से आपको यह समझाना था कि कितने प्रकार के सोर्सेस हमारे पास होते हैं, ठीक? इसके प्रकार, इसके बाद भी और सोर्सेस हैं, वो बाद में पढ़ेंगे बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आपको ये समझा, एक परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हो किससे कितना लेना है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और उसके स्टेटस पर, ठीक है? अगर समझा है तो ग्रेट। अब आगे जो वीडियो आएगा डेफिनेटली वो किस पे आएगा, इनकी डिटेलिंग पर। ओके, थैंक यू। मुझे जल्दी बताइए वीडियो देखने के बाद क्या वो समझा या नहीं समझा। थैंक यू, तरह बाय।